Vale, venga, ahí. Venga, ahí vamos. Para que la gente sea que te hace perfecto. ¡Ven, University! मेरा नाम मोहम्मद माज हुसैन है और मैं BMS सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ और हम लोग हैं ना लाइक रिजल्ट लिख दिए एग्ज़ाम्स लिख दिए हैं 2 महीने पहले एग्ज़ाम लिख दिए हम लोग अपील कर रहे हैं मैनेजमेंट से कि हमारा रिजल्ट कब तक आता तो वो लोग बस ये झूठी तसल्ली दे रहे हैं रोज़ाना कि आज आता कल आता और कल हम लोगों का रिजल्ट आया उसमें से सिर्फ हम लोगों की 75 की टोटल स्ट्रेंथ है उसमें सिर्फ 30 मेंबर्स पास हुए हैं बाकी ये 45 को फेल बोल दिए और इवन हम लोग जाके अपील कर रहे तो प्रिंसिपल मैम ये बोल रहे कि तुम लोग क्या करते कर लो मैं तुम्हारा को सस्पेंड कर दे रही हूँ तुम्हारा को सस्पेंड कर रही हूँ जो भी ये बदाखला की जबकि हम लोग जाके नॉर्मली अच्छे से पूछ रहे मैम से और हमारी कौन सी भी बेसिक नीड पूरी नहीं होती इवन बॉयज़ को वॉशरूम्स नहीं है क्लासेस में डिस्पेंसर्स नहीं है ये बोल रहे कि आज लगाते कल लगाते बजट आता हम लोग जाके इन लोगों से मिले कमीशन लोगों से मिले वो लोग बोल रहे कि बजट सैंक्शन हो गया पर हम लोगों को मिल रहा ही नहीं क्लासेस सही से हो रहे कर रहे कुछ भी नहीं है बोर्ड हम लोग पर्सनल पैसों से बोर्ड लेके आके कर रहे सोए चला रहे सोए हमारी कुछ सुन रही कर रहे भी नहीं रिजल्ट के लिए इतना बोले तो तुम लोग क्या करना है तुम लोग खराब लिखे होंगे एग्जाम बोल रहे जबकि यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जो डिस्टिंक्शंस लेके आए और इस बार पे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन और उन लोगों का नाम ही नहीं आया और उल्टा हम लोगों को ये बोल रहे कि आप लोग अच्छा नहीं लिखे होंगे इसलिए आप लोगों का रिजल्ट ऐसा आया बोलकर हम लोग KNR यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि 2 साल पहले ही हम लोगों को मिली सो लाइक पहले NTR यूनिवर्सिटी से होता था अपने एग्जामिनेशंस पर 2 साल से KNR यूनिवर्सिटी से चल रहा है लेकिन हम लोगों का November 30 को लास्ट एग्जाम था हम लोगों का November 30 से और रिजल्ट हम लोगों का आया March 5 को 2 महीने 3 महीने करीब उसके बाद में मार्च रिजल्ट आया है और ऐसा रिजल्ट है कि पूरा अनएक्सपेक्टेड लाइक सिर्फ 30 मेंबर्स ही पास हुए बाकी के 45 मेंबर्स फेल में हैं और एक ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग जाके अपील कर रहे तो पूरा रिजल्ट नहीं आया अभी कल से हम लोग वेट कर रहे हैं ऐसे बच्चियां भी है रो रो के अभी तक बेहोश भी हुए से 2 गर्ल्स हैं यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड भी कर ले सकते हैं और हम लोग जाके अपील कर रहे तो तुम लोग गलत लिखे होंगे तो गलत लिखने के लिए कौन है यहाँ पे पढ़ाने वाला मैनेजमेंट इन लोगों का सब कुछ इन लोगों का ये लोग अच्छा अपने को स्टैंडर्ड कर रहे ही नहीं इवन बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर रहे आप लोगों को इसमें रिजल्ट में क्या मालूम हुआ रिजल्ट खाली फेल बोल के बता एक सेकंड हाँ बोलिए रिजल्ट में जो अपने को हम लोगों को कल रिजल्ट जो आया उसमें सिर्फ डिस्टिंक्शन फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन ऐसा अलग अलग से आया उसमें सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ पूरी 75 स्ट्रेंथ में से सिर्फ 30 मेंबर्स आके हैं बाकी का कोई अता पता ही नहीं है हम लोग जाके पूछे कि ये लोग क्या हमारे रोल नंबर्स किधर हैं तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग सही नहीं लिखे आप लोग फेल हो गए जबकि हम लोग इतनी मेहनत से करके लिखे कर रहे थे हमारा नाम ही नहीं है उसमें 2 महीने के बाद में रिजल्ट आया हम लोग रोज़ अपील करते जा रहे हैं कि रिजल्ट कब आता तो आया तो रिजल्ट ही है अब ये बोल रहे हम लोग अच्छा नहीं लिखे तो ये बोल रहे कि आप लोग जाके है ना रिकाउंटिंग कराओ रिकरेक्शन कराओ जबकि है ना फर्स्ट ईयर का जो रिकाउंटिंग रिकरेक्शन करे उन लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया कितने मार्क्स है वो क्या है अब सप्लीमेंट्री हम लोगों को नेक्स्ट मंथ में लिखना है अब ये बार अब रिजल्ट आया तो हम लोग फिर से प्रिपरेशन कब करना कुछ सब्जेक्ट वाइज मालूम ही नहीं हुआ कौन कौन से कितने स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट में पास है वो भी अपने को मालूम नहीं है KNR यूनिवर्सिटी ऐसी रहेंगी वैसी रहेंगी बोल के हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे उतना ही हम लोगों के खिलाफ पूरा कैरियर खराब कर दे रहे हम लोगों को सप्लीमेंट्री अगर लिखना है तो हम लोग प्रिपरेशन कब करना हम लोगों का रिजल्ट 2-3 महीने के बाद में आ रहा रहीम PG स्कॉलर फाइनल ईयर स्टूडेंट
मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे को दो सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिए, इसलिए क्योंकि वांटेडली फ़ेल करे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे लेक्चरर जो है पैसे पूछते, पीजी स्कॉलर से पैसे पूछते, पास करने के लिए इन लोगों को पैसे होना, और हर काम के लिए इन लोग पीजीज को पर्सनल यूज़ कर लेते हैं, इनके नौकर समझ लेते हैं पीजी स्कॉलर्स को। मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम दोनों ने मेरे को फेल किया सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके थोड़े कुछ काम नहीं करा, हालांकि मेरे को अटेंडेंट से बदतर यूज़ कर लिए ये लोग। और सलीम जो है, मोहम्मद सलीम सर जो है, पैसे पूछे मेरे से, जो जो बच्चे पैसे दिए उन लोगों को पास करे, और मैं और एक स्टूडेंट है जो गाँव से है, उन्होंने यहाँ सके भी, उन दोनों को जो है पैसे नहीं देने की वजह से और बात नहीं सुनते थे बोल के वांटेडली दोनों को फेल करे। इतने घटिया लेक्चरर्स हैं यहाँ के, और कुछ लेक्चरर्स तो, और ये दोनों 3 साल में पीजी स्कॉलर को एक क्लास नहीं लिए, 3 साल से मैं यहाँ पे पीजी कर रहा हूँ, एक क्लास नहीं लिए, और फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक किसी को क्लासेस नहीं लिए। और मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम दोनों ऐसा बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों यहाँ पे पीजी स्कॉलर्स को अपने नौकर समझ के रख ले रहे, हर काम पर्सनल काम आया के कॉलेज के काम सिर्फ अटेंडेंट से कराने का, बच्चों से कराते, अटेंडेंट बैठ के रहते हैं यहाँ पे, बच्चों से कामा कराते। और यहाँ पे यूजी के सेकंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट आया, 3 महीने के बाद रिजल्ट आया, 45 बच्चों का फेल है रिजल्ट, और यहाँ पे बात करना है तो ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जाके बच्चों को यूनिवर्सिटी जाके बात कर लो, मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या है, तुम्हारा नहीं पढ़े होंगे नहीं करे होंगे बोल रहे, यहाँ पे सही से बोर्ड्स नहीं है, कहीं वाशरूम्स नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए एक है वाशरूम वो भी, और बच्चों के लिए बच्चे बाहर जाके वाशरूम करते, और लैब नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है कॉलेज में, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, खाली बैठ के महीने को महीना सैलरीज लेते, घर पे जाके आराम करते बस, क्या बोले तो कुछ बात करने है तो बच्चों को डराते, सस्पेंड कर देते, फेल कर देते। मेरे को भी बहुत डरा है लेकिन मैं किसी से नहीं डरा, इस वजह से मेरे को फेल करे ताकि आगे के बच्चों को डरा सके, लेकिन फिर भी मैं आके बैठ के सबके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मेरी डिग्री चले जाए मेरे को परवाह नहीं है, लेकिन मैं सबके लिए ठहरे हुआ हूँ आज, और ये 45 बच्चे यूजीस को क्लासेस लेक्चरर्स लेते हैं, कुछ लेक्चरर्स है लेते हैं, कुछ लेक्चरर्स खाली बैठ के पैसा खा रहे हैं यहाँ पे, कुछ है सब नहीं है, लेकिन कुछ लेक्चरर्स ऐसे हैं जो बैठ के खाली पैसा खा रहे हैं। मैं 8-10 साल से यहाँ पे हूँ, यूजी से देख रहा हूँ मैं, कुछ लेक्चरर्स ऐसे हैं खाली बैठ के पैसा खा रहे, क्या तो भी फिर बच्चों को फेल करने की धमकियाँ, बच्चों को अरे तुम पढ़ाओ पहले बच्चों को, बाद में फेल करो, अगर तुम 10 क्लासेस पूरा टाइम पे लेके बच्चे को फेल करो तो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, जब तुम क्लासेस नहीं लेके तुम पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। कुछ लेक्चरर्स है ऐसे, पूरे लेक्चरर्स नहीं है, कुछ लेक्चरर्स क्लासेस लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे लेक्चरर्स नहीं है, कुछ लेक्चरर्स है ऐसे। और पीजी में जो है मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम दो लेक्चरर्स ऐसे हैं, पीजी को एक क्लास नहीं लिए ये लोग, और फेल करो बोले तो दोनों को करते, और यूजी के भी बच्चों को जो है बहुत से बच्चों को फेल करे, अभी रिजल्ट नहीं आया उनका, पूरा मार्क्स मेमो नहीं आया, मार्क्स मेमो भी मालूम होता बच्चों को, और प्रैक्टिकल में फेल करते ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे, बच्चे थ्योरी में सब पास रहते लेकिन प्रैक्टिकल में फेल होते, वांटेडली फेल करते यहाँ पे बच्चों को, बच्चों पे रुआब झाड़ते रहते, अपने लेवल के लोगों से कॉलेज के लिए कुछ काम करो बोले तो इनसे नहीं होता, बच्चों को रुआब करो बोले तो बच्चों को डराते रहते, ये कॉलेज के लिए एक चीज़ नहीं लड़ते, कॉलेज को इतनी तकलीफों में है आज कॉलेज, सब इन लोगों की वजह से है, कोई चीज़ नहीं लड़ते लोग, खाली बच्चों को रुआब दिखाते रहते यहाँ पे। हम लोग गवर्नमेंट निज़ामिया टिब्बी कॉलेज चारमीनार से है, यूनानी कॉलेज चारमीनार है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, यहाँ पे आज प्रिंसिपल से बात करने आए, हम लोग का रिजल्ट 3 मंथ्स के बाद में आया है यहाँ पर, तो हम लोग वही अपील करने आए प्रिंसिपल को कि इतने मंथ्स के बाद रिजल्ट आया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, क्यों बोले तो रिजल्ट इतने दिनों के बाद आया और 45 मेंबर्स को फेल करें यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी इरेस्पॉन्सिबल है ना, टाइम के ऊपर रिजल्ट आता ना मेमोज आते, एक साल का मेमो अगले साल आता है यहाँ पे, और कॉलेज का मैनेजमेंट भी सही नहीं है, कॉलेज वाले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना नहीं चाह रहे कि हम लोग का रिजल्ट देर से आया, वो लोग हम लोग को ही बोल रहे कि सस्पेंड कर देते मिसबिहेवियर के वास्ते, केएनआर यूनिवर्सिटी जो वरंगल में है वो यूनिवर्सिटी, और हम लोग का रिजल्ट हर साल लेट आता, अभी भी लेट आया, और हम लोग को बोल रहे कि हम लोग जाके अपील कर रहे रिजल्ट दे दो, एग्जाम्स 1 महीने के बाद है, एग्जाम्स की डेट आ जाती, हम लोग को मालूम तो होता सब्जेक्ट्स कौन से फेल हुए, हम लोग बोले तो नहीं तुम लोग हम लोग से मिसबिहेवियर कर रही, तुम लोग का स्टैंडर्ड नहीं है पढ़ाई का, अगर हम लोग का स्टैंडर्ड नहीं होता तो हम लोग मेरिट बेसिस पर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसा लाते थे, हम लोग सीट्स लाए पढ़ने वाले हैं इस वास्ते यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टैंडर्ड नहीं है पढ़ाई नहीं आती इस वास्ते यहाँ पर है, स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप लोग की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है या हम लोग पढ़ने वाले अच्छे नहीं है, स्टाफ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है,
इससे प्रूफ क्या हो रहा, क्लासेस दे रहे आप लोग? तुम लोग को होना, यूनिवर्सिटी बोल दी कि रिजल्ट ऑलरेडी रिलीज हो गया और 30 मेंबर्स पास है, बाकी 45 फेल हो चुके। तो अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि बस हम लोग को रिजल्ट दे दो, मालूम तो होना कि कौन से सब्जेक्ट में पास हुए या फेल हुए। अब आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का स्टैंडर्ड नहीं है, लास्ट ईयर हम लोग का स्टैंडर्ड था, ये ईयर स्टैंडर्ड गिर गया हम लोग का पूरा, हम लोग को पढ़ाई आ रही नहीं। फिर मेमो लास्ट ईयर का हम लोग का एंड में आया सेकेंड ईयर की, अब हम लोग मेमो का वेट करना बोल रहे हैं। तो क्या पूरा साल हम लोग पूरे पेपर्स लिखेंगे? पूरे पेपर्स लिख कर थोड़ी पास करेंगे हम लोग? और रिकरेक्शन के लिए डालो बोले तो देखिए आप, हम लोग अभी तक रिजल्ट नहीं आया रिकरेक्शन का। कितने जने डालेंगे? 45 मेंबर्स पूरे डालेंगे रिकरेक्शन को 2000 लगाकर? हम लोग क्या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है या पैसे यहाँ पे वेस्ट करने हैं सब जने 2000 लगाकर डालने के वास्ते? सेटिस्फाइड नहीं है हम लोग पर सब्जेक्ट 2000, और हम लोग ऐसा जाके अपील कर रहे तो हम लोग को वार्न कर रहे, सस्पेंड कर देते, मिसबिहेवियर है, ऐसा है, वो है, सीएम तक जॉब आ जाते जॉब, हम लोग को कंसर्न नहीं है बोल रहे। फिर मैनेजमेंट किसका है? कॉलेज चला रहे कौन? अगर आप चला रहे तो अच्छे से चलाइए। स्टूडेंट जाएंगे किसके पास? लेक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, और जाके यूनिवर्सिटी से बात कर लो बोल रही। यहाँ तक वारंगल तक हम लोग अपील लेके जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ना यूनिवर्सिटी से जो रिजल्ट आया है आज, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, हाँ ओनली सेकंड ईयर, तो ये डिले भी हुआ, तकरीबन 2 महीने डिले हुआ, क्योंकि हम बराबर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में रहे तो यूनिवर्सिटी ये बताई कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए जैसे डिले हो रहा हो। तो पहले तो डिले हुआ बल्कि बच्चे गड़बड़ करें, दूसरी बात रिजल्ट आउट हुआ तो इसमें तकरीबन हमारे निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के और LRS के कितने 175 अटेंड किए सेकेंड ईयर के, आप दो कॉलेज को कल्प करके यहाँ पर सेंटर बनाया गया था, उसमें 175 सेकेंड ईयर के अटेंड किए, जिसमें से हमारे 74 अटेंड किए, 42 का रिजल्ट था ना, 42 का रिजल्ट आया, और जो है वो 42 का रिजल्ट नहीं आया, तो बच्चे गड़बड़ कर रहे थे दरअसल। के आप यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं? जी हाँ, यूनिवर्सिटी से आया, उसमें बच्चों को विज्ञान मालूम के सब्जेक्ट वाइज उसे बच्चे नहीं नहीं सब्जेक्ट वाइज हम ये भी मालूम करें तो वो यूनिवर्सिटी ये बोली के ये मेमो 2 दिन में भेज देंगे, मालूम हो जाएगा बच्चे ये बोलेंगे। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे इसके लिए? आप नहीं नहीं हम तो कांटेक्ट में हैं, और ये कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, एग्जामिनर का पूरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक होता है, और KNR यूनिवर्सिटी क्या है अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई, वारंगल यूनिवर्सिटी 2 रूम में चल रही है अब सिर्फ, उसके थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं उनके टेक्निकल, हम इसमें कुछ दखल नहीं दे सकते। प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी के, लेकिन बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है। बच्चों का क्यों कैरियर खराब होता है? उन्होंने फेल हुए बोले तो उन्होंने अपने एग्जाम जैसा दिए होंगे फेल हुए। देखो और आप सुनो, ये करेक्शन यहाँ पर नहीं होता, ये करेक्शन फर्स्ट 2 मरतबा करेक्शन होता है, फर्स्ट वैल्यूएशन सेकंड अदर सेंटर्स में, और कोड चेंज होकर होता, हम इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग यहाँ के लेक्चर्स फेल करना या पास करना इससे कुछ नहीं रहता, और कौन सी बच्ची है क्या है कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कोड नंबर डाले जाता है, यूनिवर्सिटी से चेंज होकर आता, जो पढ़ेंगे उन्हें बराबर पास होंगे। क्या धमकी दे रहे हैं? फेल हम कर ही नहीं सकते, फेल कर देते ना बोले। देखो बच्चे मिसबिहेव करके बद अखलाकी से लेक्चर से बात करें तो आप क्या बोल सकते थे? आपके पास लेक्चरों की कमी होने की वजह से ये फेल हुए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपके पास लेक्चर नहीं है तो क्लासेस के नहीं है, अरे पहले अटेंड करते ना बच्चे, अटेंडेंस करते तो आपना अटेंडेंस शॉर्ट बोले करना था ना, करे ना कई लोगों को, कई लोगों को मतलब कितने लोग फेल है मैडम, चलो 10 बोले तो 1-2 बोले तो चल जाता, 40-45 जने फेल है। हाँ तो उनके हम कल मेमो आने के बाद बोल सकते हैं? नहीं मेमो अभी तक कैसा नहीं आता, 30 जनों की लिस्ट आ गई, 45 जनों की लिस्ट कैसा नहीं आती, तो किसमें फेल हुआ मालूम हो सकते हैं आप? किसमें फेल हुआ अभी तो वो मेंशन नहीं करे ना सब्जेक्ट, एग्जाम हो गया ऑलरेडी 3 मंथ्स हो रहा है, यूनिवर्सिटी अगर इतना अगर डिले करी तो आप लोग कुछ अगर? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कांटेक्ट में थे यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी अपने बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम बता रही थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं रिटर्न में भी दिए, ओरली कॉन्टैक्ट करें जितना भी हमारे से हो सके, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके लिहाज से हम बराबर करते रहे, और हमको खुद प्रॉब्लम होता है जी। यूनिवर्सिटी को लेटर इशू करे थे क्या डिले होगा करके? वो लेटर, वो हाँ लेटर भी भेजे थे, लेटर भी बता सकते हैं? हाँ बताएंगे जी, सिर्फ ये कर सकते
दिन ठहरने के बाद मेमो, वैसे हम कल यूनिवर्सिटी जाएंगे, मालूम करेंगे, अगर हमको ये मेमो मिल गया तो कुछ कर सकती जी। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि उन लोगों का सप्लीमेंट भी नेक्स्ट मंथ है बोल रहे हैं, अब उन लोगों को अगर इतना शॉर्ट टाइम में अगर सप्लीमेंट तो ये डेट बढ़ाते हैं हम, बच्चे अब उनको इतना कॉन्फिडेंट है तो लोग रिकरेक्शन करा सकते। एक दो बच्चे अगर रहे तो क्या है रिकॉर्डिंग के आसर वगैरह नहीं पूरे कर सकते, उसमें हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। आप कुछ कर सकते हैं बल्कि हम आपको नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी अगर है, यूनिवर्सिटी का अगर इस तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दो कमरों में यूनिवर्सिटी चला रहे तो वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, बच्चों का है ना आपका है, लेकिन आप बोल तो सकते हैं, बोल तो दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कर रहे हैं, तो हम क्या करें। आप नेक्स्ट मंथ में आप एग्जाम है बल्कि बता रहे हैं बच्चे सप्लीमेंट्री, तो एक महीने में बच्चे का हाँ, तो यूनिवर्सिटी को बढ़ाना पड़ेगा ना, वो NTR यूनिवर्सिटी का है, ये KNR है, इसकी डेट नहीं है अभी। KNR की वही तो बोल रहा हूँ, KNR की अभी एग्जाम की डेट नहीं है, वो NTR की है। कैसा बोले तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम से मैं उसमें क्या कर सकती हूँ आप बताइए। हाँ तो हम तो बराबर लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को लिखना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखना, तो आप लिखिए। और ये एक का प्रॉब्लम नहीं है ना, जितने आयुष कॉलेजेस है उनके रुके हुआ था। क्या होगा बोले तो हम जहाँ तक है कोशिश करेंगे, बच्चों को प्रिपेयर कराएंगे, बच्चे नहीं पढ़े तो क्या करेंगे। पहले बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि लोग क्लासेस अटेंड नहीं करते, यहाँ पे वहाँ बोलते कि फैकल्टीज नहीं रहते, ये कोई दिया थे पीजी को भिजा देते, पीजी के बच्चे ये बोलेंगे एक आधो खत हुआ होगा वैसे, एक आधो खत आपके पास फैकल्टीज देखो फैकल्टीज टीचर्स वो भी क्या है मालूम है फैकल्टी का मैडम।